तो आ गए आप, कैसे हो? हेटर्स कृपया भाड़ में जाओ, मैं बात कर रहा हूँ अपनों से, अपने स्टूडेंट से, अपने भाइयों से। तो फ्रेंड, पता है ना आपको कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे और मुझे काफ़ी सारे आप लोगों ने कमेंट्स करे, अपने राइट आंसर मुझको भेजे, उसके लिए अनेक अनेक धन्यवाद। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगेन 38 MCQ क्वेश्चंस की। ये है पार्ट 12 इस बुक का, जिस बुक का नाम है रेलवे सामान्य अध्ययन। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले आज का अपना ये वीडियो। और जिसने भी कमेंट करे थे अपने स्कोर के पार्ट 11 में, जल्द ही उन सब के स्कोर में डिस्कस करूँगा अपने अगले किसी एक पार्ट में, पक्का। लेकिन बने रहिएगा इस वीडियो के साथ में और सॉल्व करिए ये 38 क्वेश्चन। तो इसमें पार्ट 12 का क्वेश्चन नंबर 1, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जन्मदाता, जिसे कहते हैं जनक, किसे माना जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, सतीश धवन, डॉक्टर CV रमन। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। क्वेश्चन नंबर 2, UNO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1935, 1940, 1945, 1955। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का मैं आपको हिंट देना चाहूंगा कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसके अंत का जो वर्ष था, उसी वर्ष में इसकी यूएनओ की स्थापना हुई थी। अगर आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था ये याद है, और खत्म कब हुआ था, वही खत्म वर्ष इसका यूएनओ की स्थापना होगा। तो इतना हिंट आई थिंक आपके लिए बहुत है, फटाफट लगाइए इसका आंसर, लीजिए थोड़ा सा टाइम। थोड़ा सा टाइम तो देने की गुंजाइश नहीं है आपको, क्योंकि टाइम जिसको पता होगा वो तुरंत इसका आंसर उसने लगा दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, देश का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा की स्थापना कब की गई थी? 1945, 1948, 1956, 1966। तो थर्ड का जो राइट आंसर है वो है आपका सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, योजनाओं को अंतिम स्वीकृति अनुमोदन किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग या फिर निर्वाचन आयोग? 4 राइट आंसर होगा इसका बी, राष्ट्रीय विकास परिषद। देखिए गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है? प्रथम, तृतीय, पंचम या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो 5 5 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका पंचम, मतलब 5वीं। गरीबी हटाओ का नारा, ये चीज आपको याद रखनी है, ये नारा दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 6 है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? 2010 से 15, 12 से 17, 15 से 20, 16 से 21। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका बी, 2012 से लेकर के 17 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 7, रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? मुंबई, कैलकटा, चेन्नई, बेंगलोर? क्वेश्चन नंबर 7 राइट आंसर है इसका डी, बंगलोर। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1940, 1945, 1948, 1965? तो क्वेश्चन नंबर 8 राइट आंसर होगा इसका सी, 1948। क्वेश्चन नंबर 9, भारी जल D2O की खोज किसने की थी? HC यूरे, CH राव, HC रमन या फिर BN राव? क्वेश्चन नंबर 9 राइट आंसर है आपका HC यूरे। क्वेश्चन नंबर 10, प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 12 अक्टूबर, 12 दिसंबर, 24 अक्टूबर, 10 जनवरी? क्वेश्चन नंबर 10 राइट आंसर होगा इसका 24 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 11, यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? यू थॉन्ट, त्रिगवेली, बान की मून, डॉक्टर सुकाणी? तो 11 राइट आंसर होगा इसका बी, त्रिग वेली। क्वेश्चन नंबर 12, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, तो ये केंद्र कहाँ पर स्थित है? ट्रॉम्बे, कलपक्कम, राजकोट, देहरादून? तो क्वेश्चन नंबर 12 राइट आंसर होगा इसका मुंबई, ट्रॉम्बे।
क्वेश्चन नंबर 13 है, यूएनओ की कार्यकारी भाषा कौन सी है? अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश या फिर ए और बी दोनों, मतलब अंग्रेजी और फ्रेंच। तो 13 का जो राइट आंसर है वो है आपका डी। ये याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अंग्रेजी और फ्रेंच यूएनओ की कार्यकारी भाषा है, इसको कहीं पर लिख लीजिए अगर आपको याद नहीं था तो, क्योंकि तो इस टाइप के क्वेश्चंस को माइंड से जो हम भूलते हैं उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो प्लीज़ इसको स्किप मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से फेल हुई थी, असफल हुई थी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो 14 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका 3, क्योंकि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, समझे? 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तो तीसरी योजना ने पूरा क्या करा, काम बिगाड़ दिया, असफल हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है नीदरलैंड में, स्विट्जरलैंड में, फ्रांस में, इंग्लैंड में? क्वेश्चन नंबर 15, 15 का राइट आंसर होगा आपका क्या, ए, नीदरलैंड। अगला है क्वेश्चन कि यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी? तो 16 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 17, यूएनओ में कुल कितने मेंबर हैं? 190, 192, 193, 196? तो आई थिंक आपको इसका आंसर अच्छे से पता होगा, फटाफट लगा लीजिए अपना आंसर और मेरे आंसर के साथ में उसको टैली करिए। तो 17 का राइट आंसर है 193। देखिए अगर आपको इसमें ना काफ़ी सारे बच्चों को डाउट होगा तो प्लीज़ एक बार नेट पे सर्च करने के बाद ही अपना मुझे कमेंट करना कि सर इतने नहीं इतने मेंबर थे, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स इस टाइप के लोगों को मेंबर को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है, ये बढ़ते भी हैं घटते भी हैं। तो फाइनल जो एट प्रेजेंट है वो है 193। बाकी आपको कोई भी डाउट है विकीपीडिया आप कर लीजिए, वहाँ पर आपको फाइनल इसका मेंबर्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? कल्पक्कम, नरोरा, ट्रॉम्बे, कैलकटा? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र पूछ रहा है, ये चीज़ याद रखना ध्यान से, बड़ी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा कल्पक्कम। अगला है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, कितने वर्षों का होता है? 5, 6, 4, 2? 19 राइट आंसर होगा इसका आपका डी, 2। अगला है क्वेश्चन नंबर 20 कि सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य देश हैं? 5, 10, 15, 24? 20 राइट आंसर क्या, जी सी, 15। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, रावत भाटा परमाणु विद्युत घर किस राज्य में है? महाराष्ट्र, यूपी, केरल, राजस्थान? 21 राइट आंसर राजस्थान। अगला है क्वेश्चन 22, भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को किस जगह पर हुआ था? चांदीपुर, कोचीन, गुवाहाटी, पोखरण? 22 राइट आंसर होगा इसका डी, पोखरण। अगला है क्वेश्चन नंबर 23 कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चारों ऑप्शन आपके सामने, कर लीजिए वीडियो को पॉज, इसके ऑप्शन आप खुद पढ़िए। योर टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम अप। 23 राइट आंसर है इसका, 23 राइट आंसर होगा इसका हैरोड डॉमर मॉडल। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? महासभा को, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद को, सुरक्षा परिषद को, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को? 24 राइट आंसर होगा इसका आपका सी, सुरक्षा परिषद को। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? कल्पक्कम, ट्रॉम्बे, नरोरा, नांगल? 25 राइट आंसर होगा इसका नांगल, पंजाब। अगला है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 5, 10, 15, 22? 26 राइट आंसर है आपका 15। बात कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या, इस पर ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग करने वाला देश कौन है? अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस? 27 राइट आंसर है इसका रूस। अगला है क्वेश्चन 29, बान की मून किस देश के निवासी हैं? फ्रांस, जापान,
वर्मा एंड दक्षिण कोरिया। तो ये वर्मा नहीं, ये बर्मा है। तो 28 28 का राइट आंसर है आपका डी, दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन 29 की, काकरा पारा परमाणु रिएक्टर केंद्र कहाँ पर स्थित है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। फटाफट लगा लीजिए आंसर इसका। लगा लिया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 29 राइट आंसर है इसका ए, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 30, सबसे पहले वीटो का प्रयोग यूएनओ में किस देश के द्वारा किया गया था? फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, रूस। 30 राइट आंसर है इसका अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 31, अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्षों का, 5 वर्षों का, 6 वर्षों का, 9 वर्षों का। 31 राइट आंसर है इसका आपका डी, 9 वर्ष का। आगे है क्वेश्चन नंबर 32, संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम महिला अध्यक्ष किससे निर्वाचित किया गया? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, अमृता कौर, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। 32। अब इसमें आपको कंफ्यूजन होगी ए बी और डी में, मुझे मालूम है। लगाइए अपना आंसर फटाफट। लगा लिया ना आंसर? ठीक है, चलिए टैली करिए। राइट आंसर है इसका डी। यूएनओ के कितने प्रमुख अंग हैं? 3 4 6 8। 33 राइट आंसर है इसका 6। अगला है क्वेश्चन नंबर 34 की, सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? 10 5 8 10। 34 राइट आंसर है इसका, स्थायी मतलब परमानेंट मेंबर हैं इसके 5। अगर बात करें स्थायी की तो ये भी आपको संख्या याद रखनी है, 5 10 15 20। ऑप्शन आपके सामने 4। लगाइए राइट आंसर। तो 35 का राइट आंसर है आपका बी। यूएनओ में अधिकृत भाषाओं की संख्या कितनी है? 2 3 4 6। 2 3 4 6। 36 का जो राइट आंसर है वो है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया? 1985, 1990, 1995, 1998। दूसरी बार बोल रहा है, ठीक है, सेकेंड टाइम। 37 का राइट आंसर है आपका 1998। अगला क्वेश्चन है 38 आपका, चूका किन दो देशों की संयुक्त जल विद्युत परियोजना है? भारत एवं भूटान, भारत एवं अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान, भारत एवं बांग्लादेश। 38 राइट आंसर है इसका ए। तो ये अफगानिस्तान नहीं, अफगानिस्तान है, ठीक है। तो फ्रेंड 38 क्वेश्चंस इस वीडियो में हमारे आज कवर होते हैं। तो फ्रेंड आपका जो भी स्कोर बनता है मुझे प्लीज कमेंट करिएगा। और ये है क्वेश्चन नंबर 3 आज के वीडियो का, ये पिछले किसी वीडियो का क्वेश्चन नहीं है, ये आज के इस वीडियो में जो आपने क्वेश्चन देखा उसी में से एक क्वेश्चन मैंने आज आपसे पूछने के लिए रखा था। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आंसर भी आप मुझे भेजेंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके। टोटल स्कोर 38 में से कितना गेन करा, पहला कमेंट वो होगा, सेकंड होगा आपका इसका राइट आंसर मुझको भेजना है। तो देखिए आपने कितना ईमानदारी से वीडियो देखा। अगर आप इसका आंसर नहीं लगा पाते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अगेन एक बार वॉच कर लीजिएगा। लेता हूँ आपसे अलविदा। तो प्लीज़ सबसे लिखेंगे अलविदा कहने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और फ्रेंड तक व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से शेयर करिएगा। आप भी आगे बढ़िए, औरों को भी आगे बढ़ने का पूरा पूरा मौका दीजिए। ऐसी भावना अपने अंदर मत रखिए कि यार अपना तो भला हो नहीं पाया, हम दूसरे का क्या करेंगे, छोड़ो यार, पहले हम अपना पढ़ते हैं उसका बाद में देखेंगे। तो इस टाइप की भावना प्लीज़ मत रखिए, क्योंकि देखिए क्या होगा कि आज आप उसको इस वीडियो का लिंक शेयर करते हैं तो क्या पता इससे अच्छा वीडियो उसके पास कोई हो वो आपको सेंड कर दें। तो प्लीज़ हेल्प का सिलसिला बंद ना करो, ये चलने दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल।